ड्राइवर और गार्ड के साथ अंबानी साहब की बेटे की शादी पे जाते हुए। पुलिस वाले भाई बड़े स्टाइल से खड़े, तारे जमीन पे टांगे। फिर इस गाड़ी का सौदा करें कि दूसरी का करें? हमारा सौदा ना हो जाए। सौदा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। गाड़ी आपके के लिए हमने बड़ी मेहनत की। देखें, पहले हमने मेले पे भेजी, मेले पे एक ऑफर आई, फिर मैं अड़ गया 25,000 ऊपर पे। हमने मेले पे नहीं बेची, फिर सेलेक्ट फॉर मी पे अगले दिन गाड़ी आपकी बिक गई। फाइनली पेमेंट आ गई है गाड़ी। आपने किया है टैक्सी पे, मैं बताता हूँ, सुनील भाई के पास मेरी गाड़ी गई है एक दिन पहले। हाँ, जब पार्क व्हील्स ये मेला हुआ कल, उसमें मेले में गाड़ी गई सिविक, और वहाँ पे अच्छी ऑफर आई। मैंने कहा सुनील भाई भेजने, सुनील भाई कहते ऐसे थोड़ी भेज देते होते हैं, ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजेंगे, फिर सामने और मी पार्क व्हील्स पे लगाई और गाड़ी अब फाइनली बिक गई है भाई। टैक्सी पे डिलीवरी हो गई। नहीं, आपकी अगली गाड़ी जो हमने शॉर्टलिस्ट की है वो भी तकरीबन इंस्पेक्शन उसकी जब तक अभी 15-20 मिनट में मेरा ख्याल रिपोर्ट आ जाएगी। 3:30 बजे इंस्पेक्शन थी ना, एक घंटा लगता है, 4:30 बजे तक हो जाएगी वो आ जाएगी। तो फिर उसको डिसाइड करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे जिम में ये था कि पार्क व्हील्स की जो इंस्पेक्शन होती है, मैंने कहा ये बता रहे इंस्पेक्शन है 10 मिनट में लड़के जाएंगे करके आ जाएंगे, एक घंटा तकरीबन होने वाला है। पूरा घंटा लगता है, पूरा घंटा लगता है, एक घंटा लगता है इंस्पेक्शन में, बिकॉज 200+ पॉइंट चेक होता है, मतलब एक एक जिम्मेदारी से चेक करना होता है। तो मुझे वो चेक करा दें उतनी देर, जो नीचे एक ख्वाब सा खड़ा हुआ है आपको चेक कराते हैं। आपको बुलाया यार मानी साहब ने शादी पे? मैं जा रहा हूँ गाड़ी आपकी। हमें तो मानी साहब ने, हमें तो बिलाल ने बुलाया, पाकिस्तानी सरकार ने, रोलेक्स वाली सरकार, स्लैश वीडियो वाली सरकार। आपको किसने बुलाया? मुझे किसी ने बुलाया। अंबानी साहब अंबानी के बुलाने की, जब हमें रोलेक्स वाली, नहीं हमारा मसला, हमारा एक ही मसला है, ना अंबानी साहब फोन करते हैं ना मैं करता हूँ, एटीट्यूड प्रॉब्लम में रहते हैं ना, वो साढ़ा फोन चुकता ना सीधा। चलो ये आओ, चलिए होता है कि लड़का फंस जाए। देख, हमने डकी को ईट्रॉन जीटी बेची नहीं, तो सोचते हैं अगली तेरे पास ही चली जाए। लोग कहते हैं कि मैं जानबूझ के ट्रैप करने के लिए लेके आया हूँ। प्रांत साहब, आपको भी सरप्राइज मिला ना? ओए होए होए, बदलते रहते हैं। अच्छा, ये लोगों ने अक्सर लोगों ने पूछा रैप कर दी, रैप नहीं की, ये दूसरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, दूसरी आई है। नहीं, मैं तो ये हैरान हूँ कि सुनील भाई के बारे में ये सोच कैसे रहे हैं कि रैप कर लिए। मुझे किसी ने बोला ये वायर दिस, मैं क्या मतलब वायर दिस, कहीं रैप कर ली, मैं क्या रैप करके छत भी शीशे दी हो गई, रिम भी चेंज हो गए, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कार। मैं आपके पोल खोल दूंगा कि आपके पास रोल्स रॉयस भी है जो आप दिखाते नहीं लोगों को। अच्छा माशाल्लाह, मैंने चलानी है। ड्राइवर और गार्ड के साथ अंबानी साहब की बेटे की शादी पे जाते हुए। चलो भाई बिस्मिल्लाह। बॉयज, ओए होए होए, ये मैं जमीन पे बैठा हूँ। हाँ। ब्रो ये देखिए, खुशबू सूंघे, मैंने ब्रो की गाड़ी से चोरी किया। अभी देखना कितनी प्यारी खुशबू आएगी। चलें। ओए होए 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 होए, ये इसमें पाकिस्तान की भाई ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। सॉरी यार, सॉरी, गेस्ट करें, कंटीन्यूअस गेस्ट करें, आप गेस्ट है ना। अच्छा जी, कंटीन्यूअस गेस्ट कर देते हैं। अब डीएक्टिवेट करें और प्राइवेट सिस्टम आकर डीएक्टिवेट कर दें। हो गया जी, ये क्या जहाज उड़ाने लगा मैं? हां, अभी आप ये देखें, गाड़ी आपकी स्टार्ट है, ठीक है, जिसमें कोई शोर आवाज नहीं है। इंजन ही कोई नहीं भाई, नहीं तो ये वैसे पाकिस्तान की, शोर आवाज करने में आपको एक तरीका बताता हूं। नीचे गाड़ी बनी हुई है, गाड़ी पे क्लिक करें, ठीक है। अब इसमें आर्टिफिशियल साउंड आती है, नीचे लिखे इलेक्ट्रिक स्पोर्ट साउंड, ऑन करें इसको। ऑन कर दिया, ऑन करें, ऑन कर दिया। अब आप वापस इसको स्क्रीन म्यूजिक पे बटन दबा दें, म्यूजिक पे चले जाएं वापस, ठीक है। म्यूजिक की आवाज आहिस्ते कर लेते हैं ताकि ये ना हो कि हमारा जो है ना वीडियो आया हो जाए। चलिए जी, अब आपने रिवर्स करने, पहले गियर ढूंढने, गाड़ी गियर है। अच्छा, आगे ये भी एक काम इस स्क्रीन पे होगा, आपकी तालीम हो रही है ना भाई। ये तो नहीं है इस तरफ, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मिल गया, बड़ा तेज है। अच्छा जी, ऊपर करेंगे रिवर्स, ब्रेक दबा के ऊपर करें, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिवर्स, ये पूरी गाड़ लें। मुझे बताएं ये पाकिस्तान की कितनी परसेंट आबादी का ये ख्वाब है यार? ये हमारा तो बड़े अरसे से ख्वाब था, बाकियों को भी कई का होगा ख्वाब, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। आगे देखना, आगे ना, क्योंकि बननी है बड़ी करीब, क्योंकि बम्पर बड़ा महंगा भाई का। अच्छा, इसमें पैनोरामिक रूफ भी है फ्रांस, बट ये पैनोरामिक खुलती नहीं है, so it's a glass top which doesn't open anyways। भाई गाड़ी तो ऐसा चलाता ना? मैं गाड़ी ऐसा चलाता हूँ भाई, और मैं तो इसमें वैसे भी, अब देखो आवाज, रेस की आवाज आ रही है हल्की सी फेक। हाँ जी, ये फेक आवाज है, ये फेक आवाज है। हाँ, ये फेक आवाज है, ये आपने ऑन, अभी आपने ऑन की है, बाहर भी आती है। अच्छा, जो आपने भी ऑन की है वही है। इसका जो साउंड सिस्टम है ना यार, यार ऐसे मेरे किसी सब्सक्राइबर दी मेरे ते नजर पै जाए ना चलांदे हुए, उन्होंने कहना यार ऐसी लेके देती है। अच्छा, ये ऑटो एडजस्ट हो रही है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, सीट बेल्ट आपको पीछे कर देती है ऑटोमेटिकली। वो खींचा उसने मुझे के, वो कहती है आ सीधा गले लग जाए, कोई तो कहना सानू सीधा हो, नहीं अन्य पैसे खर्च करके कोई तो गले ला रहे हैं कि इसके लेफ्ट राइट उल्टे होंगे। हाँ जी, वही जर्मन गाड़ी होंगे। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी की जो हमने जर्नी शुरू करनी थी, वो जर्नी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हमने 4-5-6 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी, उनमें एक है ये। ये लगता है डील होके जानी है। फरहान साहब, आपने लड़के के लगता है फंसाने का काम पूरा किया जो मैंने कहा था। इसमें वैसे ये स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज भी है, दूसरी वाली में स्पोर्ट्स क्रोनो नहीं था, ये सेंटर में देख रहे हैं गाड़ी जो बनी। हाँ जी फरहान साहब, देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज भी है।
हाइट है माशाल्लाह बताया ही हुआ है आपने। नहीं ये तो पीछे और कर ले भाई। नहीं मैंने फुल पीछे की भी है। वैसे देखो फुल पीछे करने के बावजूद भी पीछे जगह है, इट्स फुल, ऐसे लगता है फोर सीटर स्पोर्ट्स कार है यार, कसम खुदा की कमाल ही है। हल्का सा दबाएंगे तो फील कराएगी आपको। ओ नहीं आगे चला गया लड़का। भाई जान अब मेरी गाड़ी का क्या करना है, वो यार आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन एक मिनट रुको, मेरे पास आ चुकी होगी रिपोर्ट अभी तक, मेरा ख्याल है 3:30 शुरू हुई थी ये मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई हुई, क्योंकि कॉल मैंने की हुई इंस्पेक्शन की तो मेरे पास ही आएगी। एसी कहाँ से है जी? ये एसी मैक्स, ये एसी टच है यार, उसके ऊपर जेस्चर भी आपको फील भी होगा आपके फिंगर में, क्या कर रहे हैं फ्रांस साहब? ऑटो, हाँ जी ऑटो ऑटो सही है, अभी खुद चला देगी ना यार। आपने बोस का बाजा नहीं सुन रहा फ्रांस साहब? ये सामने लाल बटन दबाया म्यूजिक वाला, लाल बटन ओए मैंने सुना बॉस। एक मिनट रुके फ्रांस साहब, आपने सिर्फ उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है, गाना रिकॉर्ड नहीं करना ठीक है? गाना मैं आपको गाना सुनाता हूं, गाने की आवाज काट देंगे आप, लेकिन आपने रिएक्शन देना है ठीक है। लो जी अब मैं आपको, आपको स्लो गाने पसंद है तेज गाने पसंद? तेज करें आवाज, तेज करते रहें, करते रहें। अब आपको एक पंजाबी गाना सुनाते हैं, उस पे आपका रिएक्शन, उस पे जरा उसका पता लगेगा। अभी हम जाएंगे किंग शेड, मुझे तो लगता है ये आधे पैसे इसके हैं स्पीकर्स के, स्पीकर का कमाल मजा, ये तकरीबन जो अंदाजन कितने का होगा ये बोस का जो सिस्टम है इसकी जो कॉस्टिंग है जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं तो ये तकरीबन 10,000 pounds की ऑप्शन है। ओए ओए यानी पाकिस्तानी 35 lakh rupees की हाँ तो वो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी देख भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सिनेमा के अंदर बैठ गया हूं। आगे सब्सक्राइबर आपका देख के क्या राइट से ओए बंदी लेनी समझ ली तेरे पुराने ले ली ले ली है। भाई जन मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आनी कि इसमें क्या क्या है, मुझे तो सिर्फ ये फील आ रही है कि मैं कोई पोर्शा जो है ना वो कोई ख्वाब सी गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे लगता है जमीन पे बैठ गए, जमीन पे बिल्कुल जमीन पे, लेकिन है बड़े मजे की, लेकिन इंटीरियर क्या खूबसूरत और उसकी फिनिश जो है लेदर की वो चस आ गई है, चस मैं कहता हूँ सिर्फ ही चस। स्क्रीन के अंदर भी टच है, मजे की बात है, इस गाड़ी का हाइट कंट्रोल आप राइट पे देखेंगे अपनी राइट उंगली के आगे एक गाड़ी बनी आ रही है, हाँ जी उसको दबाएंगे तो गाड़ी ऊपर हो जाएगी। अच्छा फिर शॉक्स का, शॉक्स का बटन है, फिर उसके साथ सही, मेरे पास एक तरफ स्पीड और आरपीएम आ रहा है, एक तरफ म्यूजिक आ रहा है, किंग शिट आ रही है एक तरफ, किंग शिट शुभ शुभ शुभी शुभ का गाना आपने देखा ना, हमने भी गाया था। अच्छा इसमें एक ये जो है ना ये गर्मियों में ये ना इसके अंदर मेरे लगता है कि फॉल्ट है, बिकॉज इसमें कवर जो है ऑप्शन आता है, इसमें कवर नहीं है तो हमारे यहाँ पे ये 7-layer ग्लास, लेकिन ये गर्म तो नहीं होती होगी कि हो जाती है? 7-layer ग्लास है बट हीट फील जरूर होगी आप। अच्छा मतलब हमारे धूप भी तो होल्स, लेकिन अंदर का एनवायरनमेंट तो इफेक्ट नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा ना। और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी आप देखें, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, चार्जिंग चार्ज करके लाए 80% पे, कितने माइल दे रही है नीचे? 200 miles पूरा दे रही है, पूरा 220 थी मैंने 80% चार्ज की थी, which comes around to 350 kilometers। ठीक तो अगर 100% कर लें तो 380-390 अगर वो जिस तरह एक स्पोर्ट्स कार में होता है कि बंदा बैठा है तो अनकंफर्टेबल नीचे होके बैठा है, इसमें वो फील नहीं आ रही है, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ मुझे लग रहा है मैं एक अच्छी नॉर्मल मतलब हाँ उसमें बैठा हूँ। और मजे की बात है 21 inch के व्हील है, लेकिन कुछ सड़क का खड्डा फील हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, वेरी स्मूथ। किसी ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे स्पीड ब्रेकर हो? हाँ टेढ़ा करके गुजारते हैं। अच्छा वैसे इसमें हाइट कंट्रोल है, आप इसको ऊपर कर सकते हैं, तो ठीक है। हाँ नॉर्मल हाइट पे रखा हुआ है, अगर बिल्कुल नीचे करेंगे तो लगेगी, और जब गुजारनी है तो आप बिल्कुल ऊपर करके गुजार लें, कोई इशू नहीं। पुलिस वाले भाई बड़े स्टाइल से खड़े हैं, हाँ जी फुल शशकी में खड़ा हुआ, यूं उसने जेब में आ डाले और टांगे तारे जमीन पे टांगे। अच्छा पिछले वाले प्राइवेसी ग्लास है, अगले वाले नॉर्मल है, सही। और क्या है कोई? अब खुद भी अभी लग रहा है डिस्कवर कर रहे हैं, मैं पीछे बैठा नहीं कभी, मैं पहली बारी गाड़ी में पीछे बैठा। अच्छा साइड साइड में भी नहीं बैठा, साइड मिरर में देख के गाड़ी बहुत ज्यादा निकली हुई है ना, उसके जो साइड के कर्व्स हैं वो बड़े बाहर निकले हैं। आए साइड के कर्व्स बड़े निकले हैं। फिर इस गाड़ी का सौदा करें कि दूसरी का करें? सिर्फ एक सेकंड की रेस दी थी और इस तरह लगा दी इसने। तो भाई जान इसका तो सौदा मेरी समझ से तो बहुत ऊपर की चीज है फिलहाल, तो आप मेरी जो कोई हो रहा है सौदा वही करवाएं। यार सौदा जो है वो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन आ गई है जी, आ गई है, खोल लेते हैं पूरा एक घंटे के अंदर। इंस्पेक्शन में सारा ठीक हो गया गाड़ी। अच्छा जी आप कौन लोग हैं उन लोगों में से जो कहते हैं बड़ी जेन्युइन पेंट दी हुए कि बाकी भी सही हुए? मैं गाड़ी रिवील कर दूं या नहीं करूं? गाड़ी रिवील कर दें आप, अब रह क्या गया पीछे? फॉर्च्यूनर है जी, और आपकी मेरी काफी लंबी डिस्कशन इस पे हुई थी कि पेट्रोल लेना है कि डीजल, तो मैंने आपसे कहा डीजल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पेट्रोल तो मोड़े पे चुकना पड़ना है। एक साल से दिमाग सुनील भाई का ऑन एंड ऑफ खाता रहता था, फिर मैं बजट सुनता था, फिर मैं प्लान को चौपट कर देता था। बहुत अच्छी निकलाई है, दिखाएं जी। इंजन एंड ट्रांसमिशन 100%, ब्रेक 100%, सस्पेंशन 100%, इंटीरियर 94%, एसी हीटर 100%, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 100%। एक चीज रेड आई है, फ्रंट राइट पावर विंडो मैनुअल लिवर जो है उस पर एक निशान है। यार हम एग्जैक्ट बताते हैं, और फ्रंट पोशिश के ऊपर ये देखें
एक पेन का निशान है, ये तो रिग्रेजिबल है तो हम साफ करा लेंगे। मॉडिफाई तो नहीं किया आपने? नहीं, एपीसी से साफ कर लेंगे हम। और क्या है जी इसके अलावा? आपकी तरफ से गाड़ी है, आपकी यस है तो मेरी यस। मैं देख रहा हूँ भाई, मैंने आपको पहले दिन से कहा है जिधर आपकी यस है मेरी यस है, मैं देखूंगा मेरी गाड़ी को। चली भी 37,000 है, ठीक है यार, मेरा ख्याल है ओके कर लेते हैं इसको। 20 मॉडल? हाँ, 2020 सिग्मा। सिग्मा जो है वो डीजल वेरिएंट होता है, लोगों को अक्सर पता नहीं होता, और वो 4x4 होता है। टोटल रेटिंग है सर 9.6/10। 9.6/10 बेहतरीन यार, बेहतरीन। यस कर देते हैं अब इसको, यस करें करें करें, बिस्मिल्लाह करें, आपने करनी है, आप बिस्मिल्लाह करेंगे मेरी। बिस्मिल्लाह तो कर लेते हैं उसमें इंशाल्लाह ताला। लेकिन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर चलाने का मजा कोई नहीं आता वैसे, आपस की बात। नहीं आपने शशके अब मेरे, या तो मैं अब यहाँ क्या बोलूं, या तो मैं लड़की होता ना, क्यों कोई सही लड़की होता मैं, फिर तो आप मेरी गाड़ी ट्रांसफॉर्म करके देते, पूरी कन्वर्ट करके दे दी आपने। मैं हर किसी की, लेकिन मैं अब मेरा कसूर ये हो गया कि मैं लड़का पैदा हो गया। बहुत ही सेक्सिस्ट रिमार्क्स है यार, मतलब मैंने कम से कम 100 गाड़ियां की होंगी, उनमें से एक आधी खातून की होगी। 100 की 100 लड़कियों की होंगी? नहीं, अगर बाकी होंगी तो वो इनकी अपनी होंगी। तो तुम्हारी भी अपनी है, कर देते हैं। चलो तुम्हारी गाड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करते हैं। मुझे फिर ऐसे, मुझे आपने 2 दिन से टैक्सी पे रखा हुआ, चैलेंज करें फिर के 24 घंटे में मेरी गाड़ी कन्वर्ट करें। पहले भी आपको दिखाते हैं ना, पहले उसको डील तो डन करूंगा, पहले देखें गाड़ी हम पहली शुरू में कन्वर्ट करानी है। ठीक है, उस बंदे ने गाड़ी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रखी हुई पूरी, बिल्कुल जेन्युइन है, जैसी स्टॉक आती, कुछ भी नहीं किया। ठीक, और मुझे नहीं बताएंगे क्या कन्वर्ट करेंगे, वो आपको दिखा देंगे। 24 घंटे से वेट कर लो, सब तो लंबा दुनिया ट्रस्ट करती है मेरे को यार। वैसे फ्रांस साहब, यहाँ से मैं तो देख रहा हूँ पिछली सीट से बैठ के क्या व्यूज आ रहे हैं, बिल्डिंग्स के नजारे, कसम से। शेख जायद रोड गुलबर्ग के नजारे लेते हुए। अच्छा यार, ड्राइवर एंड गार्ड प्लीज टेक मी टू अंबानीज। ब्रो आपको बाकी क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया वो भाई, उन्होंने बुलाया, उन्होंने सुनील भाई को ऑफर किया 10 करोड़, उन्होंने कहा जी गल 20 करोड़ से मुक दी है। उतने में शादी हो गई। नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहा गल बात की है, गल बात की मुक, पहली गल तो गल बात की है, दूसरी बात ये कि मैं जो ना अभी जाना नहीं चाह रहा था सुनील भाई के बारे में, तो वो बिल्कुल पॉइंट फिट है। वो आजकल गाना नहीं, वो कैलिफोर्निया वाला गाना आया हुआ, अमेरिकन दुबई यार, उसमें अरगान के बहुत फेवरेट डायलॉग है। सुनील भाई दुबई केमिकल डिलीवरी जा रही है पीछे, क्या हो गया, क्या हो गया? रोज रोज आ रही है? नहीं नहीं, मैं तो आपका वो दुबई वाला ट्रिप बता रहा हूँ। मैं कह इधर रोज रोज आ रही है आज, जैसे पाकिस्तान में 6 स्पेक्टर आ चुके हैं, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, और अभी कहते हैं पाकिस्तान में पैसा नहीं, 6 स्पेक्टर आ गई है सीधी। नहीं नहीं, ये कर्जा ला दिन मुझे लगता है। रोज रोज क्यों आ रही है इतनी सस्ती है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी, भी क्यों आई हुई है बता तो रहा हूँ। हमने एक ही जगह 2 ले ली है, 2 में जितने में एक 911 आती है, उतने में 3 टाइकन आ जाती हैं। वो 26 करोड़ रुपए की है, 30 करोड़ और ये गाड़ी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की है। ठीक है जी, अगर आप 2010-12 की 911 लेते हैं, वो 12 करोड़ की, उतने में 3 टाइकन आ जाती हैं। इसकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर है, इसकी जो है सिटिंग उससे बेहतर है, चलाने में नहीं लग रहा कि मैं कोई मतलब बहुत कंफर्टेबल चला रहा हूं, बड़े आराम से बैठ के जाते हैं। हमजा की हाइट माशाल्लाह 7'18" है। कितनी हाइट है तेरी भाई? ये ऊपर वाले इंच कौन से गिने आपने? बता रही है, नहीं पता गिने क्या है मेरी 6-4 है। हाँ जी। और नहीं यार, कल तो इमरान के साथ जा रहे थे, इमरान काका लड़ता है, इमरान 6 है। मैं जरा चौड़ा बिल्ड थोड़ी सी शायद इस तरह है। लेफ्ट लेफ्ट ये वैसे okay, तुम्हें okay, कपड़े okay. तो बिग मैन स्टोर से मिलेंगे, आप कपड़े मुझे बस मुश्किल ही है काम। तो खैर जी, अब हम जा रहे हैं, हम जाके आपको फॉर्च्यूनर दिखाते हैं। yes, और फिर एक मजीद मेरी जिंदगी में वो शुरू हो जाएगा, 24 घंटे का चैलेंज, 24 घंटे चैलेंज। और मैंने टाइम नोट करके मैंने ब्लॉग में बताया, आप इसमें दिखा दें बस। ठीक है, क्या टाइम है इधर की तरफ? ये सामने वॉच लगी हुई है। अच्छा, ये आ रहा है जी, महंगी घड़ी। ठीक है, इन्हीं गलत ये गलत घड़ी है, ये घड़ी घड़ी गलत घड़ी है, इसको चेंज करें। 11:40 तो नहीं हुए, ये भी नहीं हुए, ये बोले नहीं, व्हाइट वॉच में आ गए, ये तो नहीं है, नहीं लेकिन हमने ब्लैक रन की थी, ब्लैक हमारे आने से पहले दफ्तर होगी। चलो ये भी आप मेरी एफिशिएंसी देखना, मैं बड़ा चेज हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी की इंस्पेक्शन दफ्तर के नीचे कराई थी, इसलिए ऐसे नहीं कि आ गई इतनी जल्दी, ब्लूटूथ पे गाड़ी ऑर्डर की थी। स्पीड ब्रेकर में पता ही नहीं लगा मैंने गाड़ी गुजारी है, ये हिसाब से गाड़ी थी। अभी खड्डों में भी चेक करें आप, बिल्कुल ऐसे आएगा कि बंदा कहेगा यार कमाल हो गई। क्या पैसे मांगते हैं आप इसके? यार इसके जो है ना, किस सिक्का राजुल वक्त 450 2020 मॉडल, फ्रेशली इंपोर्ट, टोटल जेन्युइन, विद ऑल मैक्स ऑप्शंस, बोस का साउंड सिस्टम, पैनोरामिक रूफ, स्पोर्ट्स क्रोनो पैकेज, 21-inch अलॉयज, काफी ये मतलब टॉप ऑफ द लाइन इसमें। हां जी, टॉप ऑफ द लाइन 4S है, दिस इज टाइकन 4S। इसके ऊपर आती है टाइकन टर्बो आती है, उसकी मोटर जो है वो इससे बड़ी होती है और उसकी रेंज ज्यादा होती है। ये तकरीबन 80 के 70 समथिंग किलोवाट मोटर है इसकी, और ये देती है रेंज 350 किलोमीटर प्रैक्टिकल।
यू हैव एक्सीलेंट पार्किंग हियर. ठीक है ठीक है ठीक है. पार्किंग का बटन उसके गियर के साथ ही करेंगे. किधर है जी पार्किंग का बटन? गियर के बिल्कुल साथ पी लिखा होगा. पार्किंग पे आ गई है. ये हॉर्न वाला पी नहीं है भाई. पी पी हां मैं क्या जरा बाजा बजा लिया. बाजा बजा भी. रुके रुके अभी गाड़ी बंद है कि नहीं? ये तो मुझे कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार रहा है. ये भी बंद है. आप गाड़ी बाहर निकाल के लॉक करेंगे बंद हो जाएगी खुद ही. ठीक हो गया चलना पड़े. हां पता लगी नहीं. वो बताती है हर चीज बताती है यार. फरहान साहब जिस तरह आपको जो है ना लग पता गया ना शादी करने के बाद उस तरह ये भी हर चीज बताती है. टेंशन नहीं लेनी आप यार. नंबर प्लेट देखिए आपने. ये कुछ है फॉर यू टू एनवी. अच्छा ये अभी अंग्रेजी चेक कर लें भजनी. फॉर यू टू एनवी का मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा. प्लेट क्या होता है? हसद करना तुम्हारे लिए. हसद हम जले दुनिया जले. हाय हाय फॉर यू टू एनवी का पंजाबी में इसको ऐसे कहते हैं. चाबी चाबी चेक नहीं. ये वो है जो जिस तरह इंस्टाग्राम पे नहीं नजर आता. फरहान साहब ने एक लाइटर लिया था. नहीं फरहान साहब जैसे लड़कों ने एक लाइटर लिया मोटरवे से उसको यूं खोलते हैं उसमें आग निकलती है. वो भी यही है ना. रील बनाई है ऐसे करके गाड़ियां चेंज हो देगी. हां हां आपकी तो हो भी सकती है. नहीं है हो सकती है. हो सकती है. इतनी चेंज करने वाली नहीं है. इधर कितनी गाड़ियां बता दे बता दे. नहीं मैं नहीं बता रहा यार. मैं नहीं अभी फरहान साहब डिग्गी में आप पूरे आ जाएंगे. डी बड़ी डिग्गी डिग्गी में आप पूरे आ सकते हैं. फरहान साहब किसकी किसकी नहीं आप मर के देखिए ट्राई करते ला जाती है. चार्जिंग ये चार्जिंग कोड ये क्या है? ये 12 वोल्ट की वो चार्जिंग बोर्ड साइड दोनों साइडों में. आपको फ्रंक दिखाते हैं. फ्रंक साहब फ्रंक में भी आ सकते हैं पूरे. फ्रंक साहब बैठ जाए अंदर. ओह गुड. ये बहुत निकल है यार. ये बच्चा पाल रहे हैं ना बंदा. अच्छा जी चार्जिंग आप कहते हैं पोर्ट उस साइड पे भी इस साइड पे भी है. बच्चे बात जानते बच्चा पालो. बोथ साइड पे चार्जिंग पोर्ट है ब्रो. अच्छा ठीक है. यहाँ पे यहाँ पे मैं भी कल घर पे खड़ा ना. मैंने चार्जर उधर था. मैं परेशान के इधर कैसे लगाऊंगा यार. ये रियल मैंने किया. ये 21 इंच के रिम है भाई. खूबसूरत. और चल नवी गड्डी ले ही जाने. आपने वो गाना इसके ऊपर लगा देना है. कोई नहीं फिर हमें स्ट्राइक ही आएगी. वो गाना मुझ पे नहीं आप पे सूट करता है. ये पहले आप नहीं. अच्छा ये आपको बंदा पागल है जिसने ये गाड़ी लगाई है. ये लड़का पागल है जो लगा के गया. और मजे की बात है आप चेक कर सर. एक मिनट रुके ना. हमारे पास चाबी आ गई थी. हमने रेंज की भी सब कुछ. मजे की बात बंदे ने इतना संभाल के रखी. जैसा पीपीएफ होता है ना उसने चाबी के ऊपर कवर देखे. इससे आपको अंदाजा हो सकता है गाड़ी कितनी संभाली हुई है. ये है जी गाड़ी. खूबसूरत गाड़ी. खूबसूरत अभी तक वो देखें स्टिकर भी काम है ना. पन्नी पैक जो कंपनी से आई थी स्टिकर भी वो अंदर. ओए होए होए होए. अच्छा जी लो जी दो तीन काम तो पहले से हुए हैं. गाड़ी के अंदर मैटिंग हुई हुई है. देखिए पूरी है. हाँ जी मैटिंग पूरी. फ्लोर मैटिंग कंप्लीट है. लेदर लेट हुई हुई है लेदर की. तो अंदर मिट्टी नहीं गई होगी. बाजी खुशबुएं भी आ रही हैं. वो हमने उसमें वो रखी हुई है ना. उन्हें वो नहीं होती जो गाड़ी के अंदर खुशबू की होती है. और यार पुश स्टार्ट ये मतलब 2018 के बाद आया था ना पुश स्टार्ट. और ये गाड़ी 2020 है. चाबी या ब्रो इतनी महंगी गाड़ी लेके भी. हाँ चाबी होती थी. आपके साइड की सीट देखे इलेक्ट्रिक है. यस करेक्ट. 2018 वाले में ये भी नहीं. ये चक्कर में कैसे ऊपर जा रहा हूँ. ये 2018 में ये भी नहीं थी. तो फिर तब लोग पैसे किस चीज के देते थे? फॉर्च्यूनर थे. और वो फॉर्च्यूनर तब थी कितने की? 42 लाख रुपए की. तो लॉन्च लेकिन तब बाकी गाड़ियां कितने की? ये देखिए सर इसके अंदर आपके पास कूल बॉक्स है. ये कूल बॉक्स है. कूल बॉक्स है ये. खोलेंगे ना इसको. अक्सर लोग बेचारे फ्रिज कहते हैं मेरे ख्याल में. फ्रिज नहीं है बस ये कूल बॉक्स है कि आप इसमें रखेंगे तो बस वो ठंड लग के रखे रहेगा. ये है जी डाउन हिल असिस्ट है. इसका पता क्या फायदा है? क्या जी? इसको अगर आप किसी स्लोप पे जा रहे हैं ना आपने ये दबा देना है. डाउन हिल असिस्ट जब आ गया ना बना हुआ ठीक है उसके बाद आप इसको स्लोप पे छोड़ देंगे ना आपने कुछ नहीं करना. इसको फिर ऑन होगा. दबाएंगे नहीं ऑन हो गया ना अभी. अच्छा ठीक है. तो ये खुद ही ब्रेक लगा देगी नीचे आके. सही सही. कहीं होता ना कि आप स्लोप से आ रहे हैं प्लाजे से उतरे आपको दिल में गुदगुदी होगी एंड पे जाके कि नहीं रुकेगी लेकिन रुक जाएगी. आपने के बनाना नहीं है. खान साहब ने बताया था. वो सामने जो है ये लेजेंडर शेप है. ये लेजेंडर शेप है. इसके रिम भी फर्क होते हैं. इसका फ्रंट बम्पर इसकी हेडलाइट्स इसके अंदर आपका जो पिछला गार्निश है वो फर्क होता है. इसका इंटीरियर यहाँ से रेड होगा. एम्बियंट लाइटिंग होगी. काफी चीजें फर्क है. मेन इंजन वही है. इसके अंदर फ्रांस साहब इंजन कौन सा होता है बता दें आज आपको भी पता लग जाए. कौन सा गाड़ी में और आता है? अरे और कौन सी गाड़ी में आता है? एसी के कंट्रोल भी है. डुअल एसी है. पीछे एसी के कंट्रोल भी है यहाँ पे ऊपर. अच्छा जी. और इसके अंदर यहाँ पे जी डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ गया. ये आ गया. साउंड सिस्टम भी अच्छा होता है इस गाड़ी का. ओवरऑल गाड़ी बहुत मजे की. हम आपको गाड़ी माशाल्लाह साफ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और कलर भी आपकी चॉइस ब्लैक था. मैं आपको पहले व्हाइट ढूंढ के दे रहा था. आपने कहा नहीं मुझे ब्लैक चाहिए है. अच्छा जी यहाँ पे ये इको मोड आ गया. इस पे मैं चलाता था गाड़ी ताकि फ्यूल बचे. ठीक है. पावर मोड है. ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है. ये आपका डिफलॉक का जब आप 4x4 पे जाएंगे. ठीक है. यहाँ से ये हाई और लो गियर सेलेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली. पुराने जमाने में बाहर से करना पड़ता था. सही. ये इसके पैडल शिफ्टर भी है. हाँ जी पेडल शिफ्टर. ये पेडल शिफ्टर का फायदा होता है कोई? ये भी आप जा रहे हैं ना लैसे अगर आप लोग एकदम गाड़ी को रेव करने आप इसको दबाएंगे वो भाई 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 इन्होंने एग्जॉस्ट के अंदर मोटरसाइकिल लगाई थी. अच्छा इसको आप ये डाउन शिफ्ट करेंगे एकदम देखें तीसरे गियर पे आ गया दूसरे पे आ गया. ये खासतौर पर शॉर्ट रेंज पे जब आप नीचे आ रहे होंगे ना सही तो आप इससे गियर शिफ्ट करेंगे बड़ा मजा आएगा. ठीक है. और ये जो ये न्यूट्रल पे करके चेंज करना पड़ता है. हाँ अच्छा अच्छा जी. और क्या है
ये इसका क्रूज कंट्रोल का बटन है, ये क्रूज भी है, मेरे ज़हन में भूल गया था मैं क्रूज जी। और कॉल चुको, कॉल बंद करो, वो ठीक है इसका वो सिस्टम, वो क्या है ये इस तरफ वाला वो ये हाँ। ये आपके अंदर यहाँ पे डिफरेंट में नेविगेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है फ्यूल की सही। इसके बाद आप इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे भी नो मैसेज है, यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग करके आप इसमें चीजें चेंज कर सकते हैं। ये देखें इको स्कोर रेंज अभी 105 किलोमीटर की है, 11.1 किलोमीटर पर लीटर, 10 की एवरेज देगी तुम्हें मेरे ख्याल से अगर प्यार से चलाओगे ठीक है, और बदतमीजी से चलाओगे तब भी 10 ही देगी वैसे तो ठीक है सर। अच्छा जी, आपने वैसे ये गाड़ी को रिप्लेस किया, आपके पास एमजी भी थी और सिविक भी थी जी, सिविक को बेच के आपने ये ली राइट? हाँ जी, सिविक को बेच के ये ली है, एमजी है। और डिसीजन जो है, अब आप फोर व्हील में जाना चाहते थे, ऑफ रोडिंग में जाना चाहते थे, हाउ डिड यू कम अप कि ये फॉर्च्यूनर ही लेना है? मुझे अच्छा, आपकी मोहब्बत तो डाले से थी, मोहब्बत डाले से और फॉर्च्यूनर से दोनों में था बड़े अरसे से कि यार ये लेनी है कभी ठीक है। अब बीच में प्लान बना ये हफ्ता पहले कि हायाबूसा बेच के तो कोई बाइक अपग्रेड करता हूँ, फिर उसमें पता किया कि बाइक कितने का मिल रहा है, उसमें इतने पैसे डाल रहे थे, मैं कहा आगे गर्मी आ रही है बाइक तो खड़ा रहेगा, फिर मैंने सोचा हायाबूसा बेच के अपग्रेड ना करें उसको, बस बेच दे बाइक जो है ना बड़ी डेंजरस सवारी है। हाँ नहीं यार सुनील भी आपको पता, जब से बाइक लिया मैंने उसमें अगर साल मेरे पास रहा है ना 12 महीने में से टोटल गिन लो तो मैंने 20 दिन चलाया होगा बाइक, बाकी वो खड़ा हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी अपग्रेड करते हैं, फिर गाड़ी अपग्रेड करने का सोचा तो मैंने कहा यार फिर अब एक वो ख्वाब जो है अल्लाह ताला अगर इस टाइम पूरा करवा रहे तो वो कर लेते हैं। फिर ये हुआ, फिर आपने बताया कि यार ये मॉडल नहीं, मेरा बजट नीचे था, फिर आपने जरा बताया तो बजट यार मैंने वो जिंदगी में मैंने एक असूल सीखा है, ये एक बार सस्ता रहे बात, ये वाली बात जो है ना यही एग्जैक्ट सेम वर्डिंग आपने बोली और वो मेरे दिमाग में जो ना सेट हुई। एक दफा ले ली अच्छी गाड़ी ली, हम शुरू भी वैसे 17-18 से हुए लेकिन 20 वाली गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये ज़हन था कि हम कोई 17 मॉडल 18 मॉडल अच्छा सा ढूंढ लें, लेकिन फिर हमने माशाल्लाह 20 मॉडल ढूंढ लिया है, बेहतरीन गाड़ी है। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और 24 घंटे बाद आपको सरप्राइज देते हैं कि क्या लगता है क्या नहीं लगता। इसकी बाहर से आपने लुक पूरी दिखा दी रिकॉर्ड के लिए, मैं भी जरा उसकी तस्वीरें खींचता हूं, रोकते हैं रिकॉर्ड के लिए, आप तस्वीरें खींच लें ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे भी रेटिंग ले लेंगे, पर आपकी रेटिंग मैटर करती है फ्रांस साहब, आपसे भी ले ही लेंगे ठीक है। बजट क्या था इसका? बजट किसका? बजट सुनील भाई बताएंगे, बजट और भी लोग गाड़ी बजट आपको मिलेगी 2020 की गाड़ी 1.45-1.50 के दरमियान मिल जाएगी। शादी सिग्मा की होती है, लाची सवारी वाली भी होती है तो सिग्मा बोले ना, शादी सिग्मा क्या है, सिग्मा लेजेंडर एंड देन जीआर, और सिग्मा वर्सेस लेजेंडर की वीडियो इन्होंने भी देखी है जी, गुड्डू वर्सेस राधा जो वीडियो थी। ओए ओए ओए, वो वीडियो अगर आप फॉर्च्यूनर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते तब भी देखिए, वो वीडियो इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है, इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है वो गुड्डू वर्सेस राधा साहब, और दो फॉर्च्यूनर खड़े उसमें 6 दफा वीडियो मैंने देखी है यार। फैसला हो सकता था क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरीके का रहे थे यार, फैसला आखिर बंदे ने ना अपने दिल वाला ही करना होता है तो। लेकिन हाँ उस वीडियो में कायल मुझे कर दिया था उस वीडियो ने कि ब्लैक ब्लैक ही लेनी है, ब्लैक ही लेनी है। मतलब आप रदर टॉप की पार्टी में, आप फॉर्च्यूनर लेजेंडर व्हाइट गुड्डू साहब की पार्टी में नहीं है। गुड्डू साहब देख लो तड़े लाल की हुए गुड्डू साहब, पनी पैक जा रही है, पनी पैक का पता है आपको क्या? नहीं, ये करोला के मोनोग्राम नजर आ रहे हैं। हाँ जी, उसपे वो पेपर लगा, क्यों? ये लाहौर में कम है, कराची में तो लेके लोग ऊपर स्टिकर लगाई रखते हैं कि पता नहीं खराब ना हो, वहाँ पे रस्ट आ जाता है। लो जी, अब 24 घंटे का चैलेंज शुरू होगा, लेट्स सी पार्क व्हीलर्स की आज क्या होने वाला है इस फॉर्च्यूनर के साथ। इस फॉर्च्यूनर को हम क्या कर, यार टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी आ गया है, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ आ ही गया साथ ही यार, ऐसे मजे के चलते आपस की बात है, गुड है, मजा आ गया माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह मियां, मुबारक करे जी आपको, आमीन जी, और अल्लाह मियां कोशिश हमारी पूरी करे कि अब हम जो है इसको 24 घंटे में जरा ट्रांसफॉर्म कर दें। पहले जरा बाहर से दिखा देना फ्रांस साहब कैसी लग रही है, कंप्लीट करते हैं, कह दें कैसी लग रही हूँ मैं। सबसे यूनिक फीक अगर फॉर्च्यूनर के मैं कहूँ ना यूएसपी बताने हैं और मैं कहूँ कि मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूँ, एक तो ये 7 सीटर है, डुअल एसी है, दूसरी अंडर वारंटी गाड़ी है, वरना आप जब जापानी गाड़ियाँ लेते हैं 7 सीटर डुअल एसी वो वारंटी वाली कोई नहीं होती, तीसरी इसका जो 1GD इंजन है वो बड़ा जो कहते हैं ना सॉलिड इंजन है, आपके रेवो में भी आता है, इसमें भी आता है, तो इंजन के पार्ट्स मिलने का कोई इशू नहीं है। बहुत रिसर्च करके आयो विकिपीडिया के ऊपर, बहुत रिसर्च करके आयो, अगर इसमें एस लग जाता तो पूरा बन जाता इसमें बीएसडी वो एक गाड़ी आती है ना डीएफएस के, पता नहीं क्या गाड़ी है डीएफएस के ग्लोरी, वो मुझे हमेशा पढ़ के लगता है बीएसडी के ये उल्टा शीशा पढ़ लेते हैं ना, ऐसा फीचर भी आता है इसमें 220 वोल्ट का पीछे जो है ना वो है चार्जर होता है पीछे, हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई भी आप डिवाइस लगा सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, कन्वेंशनल जो हाउस होल्ड का वो होता है। अच्छा, हाँ मुझे पता, किसी बंदे को करंट लगाया पीछे हाथ लाना है पीछे हाथ, पूरी गल दस पूरी बात क्या करें, डोर पैनल मेरी
इसके दरवाजों में पानी आया था, नीचे से रबड़ निकाल के फिर वो पानी निकालना पड़ता है। अगर आपको कभी लगे ना कि आप सजाद अली भाई का गाना सुन रहे हैं रावी, हाँ जी, तो आपने ये नहीं फील करना कि आप रावी सुन रहे, आपने समझ लेना गाड़ी के दरवाजों में पानी आया वो हिल रहा है। नहीं तो सुनील भाई, इतना पैसा कंपनी ले रही है तो ये छोटी छोटी चीजें क्यों, ये आता है मसला ये हर गाड़ी में कोई ना कोई नॉन फॉल्ट आते होते हैं। और ये तो वैसे जो रबर के पार्ट होते हैं या जो पानी के आउटलेट होते हैं ना, पुरानी जब गाड़ी होती है ना उसमें ब्लॉक हो जाता है, फिर पानी आना शुरू। अब ये क्या है, कसम से ये क्या है, इतना पैसा लगा के ये स्क्रीन मिल रही है। अब आप स्क्रीन को चेंज करेंगे? नहीं चेंज मैं नहीं चेंज करने का। किस्म अच्छी आ गई थी। अच्छा जी, हां चलो वो वाला लगवा ले भाई। वो पता है कितने की है? 2,25,000 रुपए। नहीं नहीं ऐसी बात ही नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं करनी है। 2 लाख वाली हमने कोई चीज नहीं लगानी। तोबा तोबा तोबा, ये रेट बढ़ा रहे हैं। इंश्योरेंस करा लेनी है, इंश्योरेंस डाल, इंश्योरेंस 100% क्योंकि इंश्योरेंस लाजमी करानी है। आगे पीछे पाकिस्तान में तो गाड़ियां लगती बहुत है। दूसरी टोयोटा जो है वो माशाल्लाह हमारे भाइयों की फेवरेट है, कोई भी चीज चोरी हो जाती है उसमें से। यस, इंश्योरेंस चला भी करा लेते हैं। एक और अगला सवाल भी आपने किया नहीं, काफी लोग करते हैं क्या जी, जिसपे मैं भी खुद भी कंफ्यूज हूँ। क्या ग्लास कोड, पीपीएफ, महंगे दामों नहीं करेंगे, खुद ही कर लेंगे। डन डन डन, उससे भी ये होगी गाड़ी में चमचमाहट आ जाएगी। लेकिन ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये जो गाड़ी खरीदी और जो इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट अभी दिखाई है मुझे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरा दिमाग हिल गया कि यार इतनी कोई डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने गाड़ी ये लेनी होती है, आप मुझे ये रिपोर्ट भेजते व्हाट्सएप पे, तो मैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जाके गाड़ी देखता एक नजर। हाँ तो आपको जरूरत नहीं, ये तो मकसद ही उसका ये है कि आप अपना ट्रैवल टाइम बचाएं। अभी तो एक शहर में, अगर दूसरे शहर में गाड़ी है कहीं भी है तो आप बड़े आराम से गाड़ी पीस ऑफ माइंड के साथ ले सकते हैं कि यार कोई टेंशन नहीं है मुझे। यार यहाँ भी कुछ होता है इसमें, सरप्राइज, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। वो किधर है? कपड़ा है सफाई वाला। मैं कह चॉकलेट की तो मैं कह गड्डी के चॉकलेट भी दे के। चॉकलेट चॉकलेट डैशबोर्ड में क्या है जी? ये है जी थल्ले वाले च। ओ ये सरप्राइज है। अपना माल छट गए ने थोड़ा जी, उन्होंने फोन करो कोई शॉपर पड़ा हो देख लें। कड़ो की है, कड़ लो मक्की वाल स्टोर। ये नहीं मक्की वाल स्टोर की आप मार्केट। ओए बटवा है भाई, और टॉमी का बटवा है भाई। और ये मेरा है, टॉमी का है। अच्छा ये तो आपका है, और क्या है? फ्रांस साहब को चक्कर में कोई टॉफी टूफी निकले भाई जान। और इसके अंदर कुछ बुक है, चेक करनी है आपने? दूं मैं आपको या नहीं? नहीं बस ये किस चीज का रिमोट है सुनील भाई? ये क्या निकला बीच में? टाउन टाउन मुझे कुछ उसमें लगाया होगा उन्होंने, चोर लॉक टाइप सर। अच्छा, और ये इसका मेरे ख्याल है, इस गाड़ी का नहीं मेरे ख्याल उनके घर का कोई गैराज होगा। इससे क्या होता है? इससे ये आजकल ना वो फेयरवेल पे क्या साल चेंज हो रहा है, फेयरवेल बस गाड़ियों से लड़के लड़कियां साड़ियां पहन के लटक रहे होते हैं शादी हो रही, इससे क्या होता है? याशियां जी, याशियां। ये मैंने एक दिन पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि वालदैन को नजर रखनी चाहिए, इससे कोई अच्छी बात नहीं है ये वैसे। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या करते थे फेयरवेल पे? हमारे जमाने में फेयरवेल नहीं होता था यार, मैं आपको बहुत बताऊँ, बहुत पुरानी बात है। लम्स में? हाँ लम्स मैंने ग्रेजुएट किया था, आज से एग्जैक्ट 19 साल पहले मैंने एमबीए किया था। हमारा फेयरवेल कैंपस पे एक फंक्शन हुआ था, बस उस बात का नहीं था। हाँ सब होता था, सब होता था, वो सब होता था, लेकिन ये नहीं होता था कि आप सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं और गाड़ियों से लटक रहे हैं। तो अजीब सा फैशन है आजकल, मैंने देखा काफी ज्यादा है। बट ये डिपेंडेंट की जी बड़ी गाड़ी से निकलना, तो फिर बेचारा जो आम मतलब तबके का बच्चा है वो तो फेयरवेल ही मना सकता। बड़ी गलत बात है, फेयरवेल ना मनाई जाते हो। ये कौन सी गाड़ी बनाता? इसका मतलब ये है। लो जी अभी 24 घंटे की हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे। करें जी, बिस्मिल्लाह। पहले आप बाहर से दिखा देंगे ना फ्रांस साहब, ताकि बाहर दिखाया जा सके कि क्या सूरत हाल बनी है भाइयों। लकी लकी पीछे पार्किंग सेंसर भी है हमारी गाड़ी में, प्लीज वॉच इट। ये रखे सर बने हुए, फिर क्या बना हुआ? लेफ्ट राइट ऐसे ये बताता है कि आप। ओ यार, ओए होए 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 होए, फ्रांस साहब ऑप्शन निकले ही बैठे बैठे गाड़ी में से। स्प्लिट स्क्रीन दिखा रहा है दोनों साइडों से। ओ यार जगह मिल गई ना, ये भाई निकाल रहा है, मैं इधर सीधी खड़ी करूंगा ताकि आप पूरा 360 बिफोर आफ्टर बना सके। यार सचियां कराती भाई ने, बेहतरीन कर दिया काम। अब भाई निकल जाए। फ्रांस साहब कौन सी गाड़ी है? कोरे कोरे का मतलब क्या होता है? कोरे का
मतलब होता है कोरा हर जगह जवाब दे देना कह रहे कोरा कागज था दिल मेरा कोरा वो वाला कोरे नहीं है अंग्रेजी का कोरे फ्रांस कुछ सोचे यूनाइटेड स्टेट ऑफ फैसलाबाद वाला कोरे नहीं है मुझे नहीं पता मेरे से कल शाम को भी किसी ने पूछा अगर मैंने गूगल कर लिया तो मैं अभी बिस्ती नहीं होती मेरी लेकिन चलो कोई नहीं अब बताएं आप कोरे का मतलब होता है जापानीज में इसको मीरा कहते हैं मीरा ये मीरा आपको पता ही है कौन मीरा ये देखे ना इसमें बॉडी किट लगी हुई है हाँ जी और इसकी वजह से उसके मटते हैं बुतरे में और ये क्यों एक पीछे लगाई हुई है मतलब ये क्या बॉडी किट है लोगों को पसंद होती है टेस्ला टेस्ला आओ जी टेस्ला अपनी है आपने कर लिया इसका वॉक राउंड